हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो एकेडमिक जोन पे आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारे इधर उधर से हम वीडियो देख ही रहे हैं। जो एनटी नेट का एग्ज़ाम हुआ था, वो लीक हुआ था या नहीं हुआ था, कितना सत्य था, इसके ऊपर एनटीए ने अपना वो कर दिया कि ये लीक नहीं हुआ था। चलो ये मान लिया हमने। अब नेक्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी तैयारी को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम नेक्स्ट टाइम में अपना JRF क्रैक कर सकते हैं, उस पर हम कुछ बात करेंगे आपके साथ। आपको ये बातें सही लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और लोगों के साथ भी शेयर करना। अगर सही ना लगे तो अपना वीडियो वहीं से कट करके अपना राम राम करना। देखिए फ्रेंड्स, इसमें साथ ही इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, है ना, मेरा रिकमेंडेशन है। बाकी आप खुद मास्टर डिग्री करके आते हैं तो आपका भी वो हो सकता है कि कोई इस बुक पे मेरा बिलीव नहीं है, दूसरी बुक पे है, आप अपनी मर्जी से भी पढ़ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दो चीज़ें आप सबसे पहले ध्यान कर लें। पहले तो आप टाइम लाइन डिसाइड कर लें। नेट के एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जो स्टूडेंट हैं वो टाइम लाइन डिसाइड नहीं करते, क्योंकि इसमें जो एग्ज़ाम देने के अवसर हैं वो लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है। आप कितनी बार भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब। और एग्ज़ाम 6 मंथ में होता है और उसके लगभग 6 मंथ में हो जाता है। पिछले कुछ समय से ये शेड्यूल डिस्टर्ब है, लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं है कि हम कितनी बार भी एग्जाम दे सकते हैं तो हम कितनी बार ही एग्जाम देंगे। नहीं, हमने डिसाइड कर लेना है कि भाई देखिए, बहुत हो चुका, हमें तो अब की बार ही JRF चाहिए। जब हम अपने माइंड को ये कमांड दे देंगे कि हमें तो अब की बार ही JRF चाहिए, तभी हमारा माइंड उसी स्पीड उसी टारगेट के साथ काम करेगा। अगर हम अपने माइंड को ये दे दें कि 5 किलोमीटर हमने आधे घंटे में तय करनी है, तो आधे घंटे में के लिए तैयार हो जाएगा। और हम कहें कि 5 किलोमीटर हमें 2 घंटे में तय करनी है, तो उसके लिए भी वो तैयार हो जाएगा। तो डिसाइड कमांड आपकी है, कोई दूसरा कमांड आपको दे नहीं सकता, ठीक है? तो पहले डिसाइड कर लें कि ये 6 मंथ हैं, इस मतलब नेक्स्ट जो एग्जाम होगा, नेक्स्ट वाला एग्जाम आपका मतलब या तो दिसंबर में हो, दिसंबर में होगा नहीं, ये एग्जाम आई थिंक जून के आसपास जाके फिर से ये एग्जाम होने की संभावना बनेगी। थोड़ा जून से इधर उधर भी हो सकता है, क्योंकि जो अभी दिसंबर में एग्जाम होने की संभावना ये नथिंग के बराबर है। तो पहले ध्यान कर लें कि जो नेक्स्ट वाला एग्जाम है होना है, वही हमें क्रैक करना है, हमने क्रैक करना है। तो उसके लिए हम क्या करें, उसको देखना है। और ये भी सोच लेना है कि अभी तक आपने उस एग्जाम के लिए क्या किया है, आपने कितनी बार एग्जाम दिया है, उससे कोई मतलब नहीं। उसको फेडअप होने की कोई जरूरत नहीं कि हमने इतनी बार एग्जाम दे लिया, ये तो क्रैक ही नहीं हो रहा। डोंट गिव अप, गिव अप नहीं करना है, आपने डिसाइड करना है और ये ठान लेना है, मान नहीं लेना है। माने तो हार है, ठाने तो संसार है, कुछ भी जीत सकते हैं ठान कर। तो आपने ठान लेना है कि ये एग्जाम हमने क्रैक करना है, नेक्स्ट वाला। तो अभी अपने जो भी आपने अभी तक तैयारी की है, ये नहीं कि अब पिछले बार के जितने भी नोट्स आपने बनाए हैं उनको आप बिल्कुल भूल जाओ, उनको एक तरफ डाल दो और अगला नया स्टार्ट करो। नहीं, ये कभी नहीं होता। आपको सबसे पहले तो शांति प्रिय मतलब बिल्कुल कूल माइंड से एक बार बैठकर सिलेबस को देखना है। बैठकर किसको देखना है? सिलेबस को देखना है। सिलेबस हमारे लिए गाइडलाइन है। ये भी आप डिसाइड, ये भी आप दिमाग से निकाल दें कि जो पूरा एग्जाम है इसी सिलेबस से आएगा। ये हमारे लिए गाइडलाइन है कि इस एरिया से क्वेश्चन आने की मैक्सिमम संभावना है, इतना इस एरिया से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका मैक्सिमम संभावना है। ये नहीं कि 100% गारंटी है, संभावना है। तो एग्जाम जो होता है वो सिलेबस के चारों तरफ से कुछ भी इधर उधर से भी उठा सकता है। तो आप ध्यान रखें कि आपको जो कंसेप्ट उसमें दिए गए हैं उनके अलाइड कंसेप्ट भी आपको क्लियर होने चाहिए। तो आप देखें कि सिलेबस में कितने प्रतिशत सिलेबस ऐसा है कि जिसके ऊपर मेरी कमांड अच्छी है, अच्छी मतलब स्ट्रोंग है, और कितने प्रतिशत सिलेबस ऐसा है जिस पर मेरी कमांड अभी मीडियम स्तर की है, मीडियम है, और कितने प्रतिशत सिलेबस ऐसा है कि जिस पर अभी हम खाली हैं, ना के बराबर हैं, जिस पर हमारी 20% भी पकड़ नहीं है, तो वो हमारे लिए ना के बराबर है। तो आपको कोई बात नहीं, इससे वो करना है कि फिर वो परसेंटेज देखिए कि वो जो हमें पूरा तैयार है, जिसके ऊपर हमें कॉन्फिडेंस है, वो कितने प्रतिशत है, और उसके बाद दूसरा जो मीडियम है वो कितने प्रतिशत है, और जो कहते हैं ना जो बिल्कुल भी अभी तक हमारी पकड़ से बाहर है वो कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले जो मीडियम है उसको किस में बदलना है,
उसको स्ट्रोंग में लेके जाना है, और स्ट्रोंग को स्ट्रोंगेस्ट में। पहले हमें ना, जैसे समुद्र में कोई पांच व्यक्ति डूब रहे हों तो सबसे पहले किसे बचाना चाहिए? समुद्र में अगर पांच व्यक्ति डूब रहे हों तो आप किसे बचाएंगे? तो मैं बहुत से स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछता हूँ, कही कहते हैं कि जो सबसे आगे डूब रहा हो उसको बचाएंगे। तब तक तो आप आगे वाले तक भी नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये पहले वाला भी डूब जाएगा। तो सबसे पहले हमें पहले से शुरुआत करनी चाहिए, पहले को निकालो, फिर दूसरे को निकालो, तीसरे को निकालो, ऐसे ही। तो आप सबसे पहले अपना स्ट्रोंग जो वो है एरिया है उसको पढ़ें एक बार, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। उसके बाद जो मीडियम वाला एरिया है उसको स्ट्रोंग में कन्वर्ट करें, उसको क्या करें, उसको स्ट्रोंग में कन्वर्ट करें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। अब स्ट्रोंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपने अभी तक नोट्स बनाए हैं, जो भी नोट्स आपके पास हैं ऑलरेडी, उनको आप देखिए और उनको इस मतलब एक रिव्यूअर की नज़र से देखिए कि आपको आपने लिखा है। कहते हैं ना, आपका अगर आपका पुत्र है तो ऐसा नहीं है कि उसमें कमियां नहीं हो सकती, आपने लिखा है तो कमियां उसमें भी हो सकती हैं। तो आप उसको एग्जामिनर की नज़र से देखिए, और अब की बार देखिए जो अब की बार क्वेश्चन आए थे वो कहाँ पर इन्होंने मिस किए, तो सब फिर उसको ऐड करें, उन नोट्स को ऐड करें, जो भी आपने उसमें जोड़ना है उनको जोड़ते चलें। पहले अब नए नोट्स बनाना शुरू ना करें, जो नोट्स आपके पास हैं उनको ऐड करें, उनमें ऐड करें, उसके पास देख उसके बाद देखें कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हमने बिल्कुल अभी तक नहीं बनाए हैं, फिर उनके ऊपर काम करें, है ना, फिर उनके ऊपर काम करें। यानी सेल्फ स्टडी कर, पहले उसके जैसे जैसे जो भी आप टॉपिक आज बना रहे हैं उसको एटलीस्ट दो बुक से पढ़ें, साथ में अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया है तो साथ में वो क्लास वहाँ से देखें, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन अब की बार आया था उसको ऐड करें। एटलीस्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर जो नेट के क्वेश्चन पेपर हैं उनसे संभावना उनसे खोज करें कि इस टॉपिक से संबंधित किस तरह का कोई क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया है, वो किस तरह का क्वेश्चन यहाँ से पुट होता है। जैसे सबको पता है कि अशोक के जब भी क्वेश्चन आएंगे 80 या 90 समय क्या होता है, टाइम क्या होता है कि उसके जो शिलालेख अभिलेख गुहा लेख है यही पूछे जाते हैं, है ना। तो आप ध्यान रखें कि आप पहले उस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं वो भी थोड़ा आप समझ लें। ये समझेंगे आप PYQ क्वेश्चन से। आप नेट के साथ साथ क्या कर सकते हैं, UPSC के PYQ हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, उससे भी आपको अच्छा कहते हैं ना एक ओवरव्यू मिलेगा और आपको एक समझ बढ़ेगी। क्योंकि अब की बार का जो पेपर है उसका जो पैटर्न है उसका कंटेंट लेवल मैं नहीं बोल रहा, कंटेंट लेवल पहले भी नेट का UPSC से ऊपर ही है, कंटेंट लेवल तो वही है, वो उसके अलावा जो जो स्ट्रक्चर ऑफ पेपर है एग्जाम है वो थोड़ा UPSC से प्रभावित हुआ है ना। UPSC की तरह ही जो ऑप्शन है उनका सेटअप किया जा रहा है, तो आप UPSC के क्वेश्चन भी इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप PYQ पढ़ेंगे, पहले नेट के PYQ पढ़ेंगे, फिर आप क्या पढ़ेंगे, फिर आप UPSC के PYQ पढ़ सकते हैं। अगर आपको इनसे संबंधित कोई बुक के लिए पूछना है तो मैं आपको कमेंट करिए, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। दूसरी इसका हरियंत का बुक आता है तो उसको आप ले सकते हैं, हरियंत का बहुत मोटा सा बुक आता है, मैंने पहले उसमें एक वीडियो बनाई थी उसमें दिखाया भी था वो बुक, उसको ले सकते हैं आप। इसके बाद मैंने हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ कि तीन बुक आप सेलेक्ट कर लीजिए एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न के लिए, तीन बुक, ओनली 3 बुक आपकी चॉइस है। आप केसी श्रीवास्तव पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते केसी श्रीवास्तव से क्वेश्चन आते हैं, आप क्या पढ़ सकते हैं, उपेंद्र सिंह पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये दो। और जैसे जिसने इंग्लिश का पढ़ना है वो उपेंद्र सिंह का पढ़ सकता है, और जिसको हिंदी पढ़ना है केसी श्रीवास्तव पढ़ सकता है, या दोनों भी, अगर किसी के पास इतना स्ट्रांग विल पावर है वो दोनों भी पढ़ सकता है। मेडिवल में आप जो है हरिश्चंद्र वर्मा मुझे ऑल इन ऑल किताब लगती है, उसके साथ इंग्लिश में पढ़ना है तो सतीश चंद्र आपको किताब अच्छी है। मॉडर्न के लिए आप BL ग्रोवर और स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम का भी मॉडर्न जो बिल्कुल फ्रेश लुक आया है उसको पढ़ें, है ना। और जो हमारी हिस्टोग्राफी है उसके लिए इग्नू के नोट्स को ही आप प्रेफर करें, इग्नू के नोट्स आपको बड़ा मजा देंगे, उसमें से ज़्यादातर सिलेबस कवर होता है। तो ये हमारी कहानी है, इनसे अपने सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं, विदाउट सेल्फ नोट्स कुछ होने वाला नहीं है। ये टेलीग्रामों में लोग शेयर करते रहेंगे, इन नोट्स से आपका कुछ नहीं बनेगा, आप इन नोट्स की सहायता से अपने सेल्फ नोट्स बनाएं, इनको आप सहायता में ले सकते हैं, इनके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। जब तक आप खुद को तैरना नहीं आएगा ना तब तक समुद्र पार नहीं होगा, तो समुद्र तो खुद के तैरे पार होगा, तो आपको सेल्फ स्टडी बड़ा कंसंट्रेट करना है। और हाँ, इसके साथ साथ एक बात और बिल्कुल
साफ ऐसे कोई बोलेगा नहीं, सब ऐसे ही बीच बीच में कहेंगे कि आपको हमारा कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, इसका आपको फायदा होगा, 100% फायदा होगा, अब केवल बुक पढ़कर भी आप एग्जाम क्रैक कर देंगे, ऐसा भी मुझे संभावना अब कम लगने लगी है। आप इसमें कोर्स ज्वाइन करने से आप किसी भी प्लेटफॉर्म का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप यूट्यूब पे सबके सेशन देखते हैं। तो आपको चाहिए कि आपका एटलीस्ट एक ट्यूटर तो आपके पास हो, एटलीस्ट एक ट्यूटर जो आपको गाइड कर सके, है ना, टाइमली गाइड कर सके, आपको बता सके कि आपका ट्रैक कैसा चल रहा है, आपको ऑन ट्रैक रख सके, एक ऐसा गाइड तो आपको एटलीस्ट चाहिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा इसको शेयर करना है, और अगर इसके ऊपर आपका कोई अन्य डाउट है तो स्क्रीन पे मैं नंबर दे रहा हूँ, इस पर मैसेज कर सकते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे आपसे, अगर आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, और आप हमें अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ हमारी फ्री क्लास देख सकते हैं जो रात को 9 PM पर, वो वहाँ पर आप हमारी प्रोफाइल में जाके हमें फॉलो कर लीजिए, आपके पास उसका ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा। और साथ ही साथ आपने अगर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है वो कर लीजिए, और एक अच्छा बहुत ही उसमें आप वहाँ पर अनअकैडमी पे आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कर सकते हैं, है ना। और तैयारी करें, समय खराब ना करें, पैसे बचाने के चक्कर में समय खराब ना करें, समय सबसे महंगा है, जीवन का एक ही चीज़ है, सबसे महंगा प्रीसियस जो है वो टाइम है, टाइम गया तो सब कुछ गया, है ना, अब आपका टाइम ऐसे ही जाता रहेगा, तो इसकी रक्षा कीजिए, और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा फिर से बोल रहे हैं इसको शेयर कीजिए, थैंक यू।